अब हम जवान होंगे जाने कहां होंगे। लेकिन 80 के दशक में जवान हो रहे लोगों के साथ एक गायक का करियर भी तेजी से जवान हो रहा था। देखे कौन ठहरता है, डर कुछ ऐसा लगता है। पहले प्यार की कसक, बिछड़ने का गम और कभी ना मिल पाने की अनिश्चितता के बीच उस गायक ने जवान होती उस पीढ़ी को यह गीत दिया। तुमने दिया वादों में आ गया, जो कि देखते ही देखते युवाओं के लबों पर छा गया। तुझे याद करेंगे जब हम जवान। उसी दौर में तमाम चुनौतियों का सामना करने वाली युवा पीढ़ी के मन में जोश भरने वाला एक गीत दिया था। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। उस गायक को दुनिया ने शब्बीर कुमार के नाम से जाना। वह दौर था साल 1980 में। जुलाई के एक मनहूस दिन को उस समय के महानतम गायक मोहम्मद रफी ने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया और उसके बाद संगीत प्रेमियों के जहन में एक अकाल सा छा गया था। हालांकि संगीत की दुनिया के एक छोर को तो हरफन मौला गायक किशोर कुमार ने संभाल रखा था, लेकिन रफी साहब के जाने के बाद दूसरे छोर को संभालने के लिए कोई गायक टिक नहीं पा रहा था। रफी साहब के जाने के बाद हर तरफ मोहम्मद रफी जैसी आवाज वाले गायकों की मांग बढ़ गई थी और इसका फायदा उठाकर ढेर सारे गायक मैदान में आ गए। उन सभी ने रफी साहब की आवाज में गाने की कोशिश की, लेकिन गायकों की भीड़ में जिस आवाज ने निर्देशकों को और संगीतकारों को आशा की किरण दी वो थे शब्बीर कुमार। तेरी तस्वीर मिल गई, तेरी तस्वीर मिल गई, मिल गई, मिल गई, तेरी तस्वीर। फिल्म बेताब के गानों के साथ लोकप्रियता की दिशा में कदम रखने वाले शब्बीर कुमार ने गायकों की भीड़ में से निकलकर अपनी जगह बनाई और एक से बढ़कर एक सुपरहिट गीत गाए हैं जो आज भी लोगों की जुबा पर हैं। सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, लोग आते हैं, लोग गोरी है कलाइयां, मिला दो तुझे हरी हरी चूड़ियां। सुनाई देती है जिसकी धड़कन, तुम्हारा दिल या हमारा दिल है। यार किया नहीं जाता हो जाता है। इस वीडियो में मैं आपकी दोस्त और होस्तुति आपको उसी गायक के बारे में बताने जा रही हूँ जिसने 80 और 90 के दशक में सभी बड़े संगीतकारों के लिए एक से बढ़कर एक गीत गाए हैं, लेकिन फिर अचानक बॉलीवुड को छोड़ दिया। इस वीडियो में मैं ये भी बताने जा रही हूँ कि शब्बीर कुमार के करियर का रफी साहब के जनाजे से क्या संबंध है। तो आप कीजिए थोड़ा इंतजार और बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, शब्बीर कुमार वडोदरा के रहने वाले हैं। उनका जन्म 26 अक्टूबर 1954 को हुआ था और वडोदरा से ही उन्होंने अपने सिंगिंग कैरियर की शुरुआत की थी, लेकिन इसके पहले वह चित्रकारी करते थे। वह वडोदरा में ही चित्र बनाकर रोजाना 2 से 8 रुपए कमा लेते थे और उससे अपनी पॉकेट मनी निकाल लेते थे। संगीत का उन्हें बेहद शौक था। दोस्तों के कहने पर उन्होंने ऑर्केस्ट्रा में भी गाया। उनकी आवाज को काफी पसंद किया गया और इस तरह उनका हौसला बढ़ता गया। 16 वर्ष की उम्र में उन्होंने वडोदरा में एक संगीत प्रतियोगिता में भाग लिया और यह उनके लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। उसके बाद उन्हें स्टेज शो में मौका मिलता गया। उन्होंने अपना म्यूजिक करियर तो वडोदरा में शुरू किया, लेकिन उन्हें प्रसिद्धि मिली मेलोडी मेकर्स नामक भारत के अग्रणी ऑर्केस्ट्रा से, जो कि मुख्य रूप से पुणे और मुंबई में परफॉर्म करता था। उसके बाद उन्होंने मोहम्मद रफी को श्रद्धांजलि के रूप में एक शाम रफी के नाम शो के लिए एक प्रमोटर के रूप में मोहम्मद रफी के फैंस से हाथ मिला लिया। करीब 1.5 दशक के संघर्ष के बाद सबसे पहले संगीतकार उषा खन्ना ने फिल्म तजुर्बा में उन्हें ब्रेक दिया तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने कुली फिल्म में गाने का मौका दिया। सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, सारी दुनिया का बोझ हम। हालांकि फिल्म कुली के गीत पहले रिकॉर्ड हो गए थे, लेकिन अमिताभ बच्चन के शूटिंग के दौरान घायल हो जाने पर फिल्म देर से प्रदर्शित हुई। फिल्म कुली में शब्बीर कुमार का गाया हुआ गाना सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं और मुझे पीने का शौक नहीं गाना काफी हिट रहा था।
तो पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम। हालांकि इस फिल्म को अमिताभ बच्चन के साथ हुए हादसे के लिए ज्यादा जाना जाता है, लेकिन फिल्म के ये दोनों गाने भी अपनी एक अलग जगह बनाने में कामयाब रहे। जब सताते हैं गम, ऐश करते हैं हम, बीड़ी पीते हैं और पान का। उन्हें आरडी बर्मन के साथ बेताब फिल्म में प्लेबैक सिंगर के रूप में पहचान मिली और सबसे ज्यादा लोकप्रियता इस फिल्म के गाने जब हम जवा होंगे से मिली। तुझे याद करेंगे जब हम जवा होंगे। इसके बाद उन्होंने कई गाने हिट किए। मेरी जंग मूवी का गीत जिंदगी हर कदम एक नई जंग है भी शब्बीर कुमार की हिट लिस्ट में से एक है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग। 80 और 90 के दशक में मोहम्मद अजीज भी गा रहे थे। नितिन मुकेश, सुरेश वाडकर, पंकज उदास, कुमार सानू और उदित नारायण भी अपना करियर शुरू कर रहे थे। ऐसे में अपनी अलग पहचान बनाना शब्बीर कुमार के लिए बहुत जरूरी था। लेकिन 1980 के दशक में उन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, राहुल देव बर्मन, चित्रगुप्त, कल्याण जी आनंद जी, राजेश रोशन, उषा खन्ना, बप्पी लहरी, अनु मलिक, रविंद्र जैन, राम लक्ष्मण, नदीम श्रवण, आनंद मिलिंद, जतिन ललित और उत्तम सिंह सहित कई प्रमुख संगीत निर्देशकों के लिए गाया। जो दे तो फिर मुश्किल है रुक जाना। कहते कहते फिर कहते एक बार प्यार प्यार किया है प्यार करेंगे दुनिया से अब तो हम ना डरें। बंधन टूटे ना सारी जिंदगी ये जहां सो गया आसमान दिल बेकरार था दिल बेकरार है तुम याद ना आया करो याद तेरी आएगी मुझको बड़ा सताएगी। उन्होंने दिलीप कुमार, धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, जैकी श्रॉफ, ऋषि कपूर, जितेंद्र, मिथुन चक्रवर्ती, राज बब्बर, गोविंदा, चंकी पांडे, संजय दत्त, कुमार गौरव, कमल हसन, रजनीकांत, अनिल कपूर, सनी देओल, राजीव कपूर और अक्षय कुमार जैसे प्रमुख अभिनेताओं के लिए पार्श्व गायन किया। उन्होंने इस्माइल दरबार, शंकर एहसान लॉय और एआर रहमान के लिए भी गाया। उनका आखिरी हिट गाना है 1990 की फिल्म आज का अर्जुन का गोरी है कलाइयां और घायल का सोचना क्या। गोरी हो कलाई चाहे काली हो कलाई जो भी चूड़ी पहनाए फंस जाए हरी हरी चूड़ियों की देखे हरी सोचना क्या जो भी होगा देखा जाएगा कल के लिए। इसके बाद शब्बीर कुमार ने स्टेज शो पर ध्यान देना शुरू किया। उन्होंने साल 2000 में कई फिल्मों और निजी एल्बमों के लिए गाया है। उनमें कुछ प्रमुख हैं घाट, आवारा पागल दीवाना और आन मैन एट वर्क। उसके बाद उन्होंने 2010 में अक्षय कुमार के लिए फिल्म हाउसफुल में गाया था। उन्होंने हिंदी, उर्दू, मराठी, बंगाली, भोजपुरी, पंजाबी, राजस्थानी, गुजराती, हरियाणवी, उड़िया, मलयालम और अंग्रेजी जैसी विभिन्न भाषाओं में गाया है। उन्हें 34 गोल्ड डिस्क, 16 प्लैटिनम, 1 कोहिनूर डिस्क से सम्मानित किया गया और कई अन्य पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। दुबई में उन्हें सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत में पहली बार बॉम्बे में भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक के रूप में कला रत्न अवार्ड से नवाजा। उन्होंने 6000 से अधिक गाने गाए और 1500 से अधिक फिल्मों में काम किया है। उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात, यूरोप, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त राज्य अमेरिका और कई अन्य स्थानों में लाइव संगीत कार्यक्रम पेश किए हैं। लता जी के साथ गाना किसी भी आर्टिस्ट के लिए जिंदगी का सबसे बड़ा इनाम हो सकता है जो उनको भी मिला। स्वर कोकला लता मंगेशकर जी के साथ उन्होंने करीब 48 गाने गाए और उनके साथ गए उनके सभी युगल गीत सुपरहिट साबित हुए। इन्होंने लता दीदी का एक स्केच बनाया था जिसे स्वर कोकला ने फेसबुक पर शेयर किया और इनकी तारीफों के पुल बांधे थे। शब्बीर कुमार के लिए रफी साहब तो खुदा ही हैं,
शब्बीर कुमार ने उन्हें अपना आदर्श माना। वह बचपन से ही रफी साहब के भक्त रहे हैं। उनको कहीं ना कहीं इस बात का पहले से ही अंदाजा था कि रफी साहब के जाने के बाद वही उनके उत्तराधिकारी बनेंगे। असल में इस बात का संकेत उन्हें रफी साहब के अंतिम संस्कार वाले दिन ही मिला। शब्बीर कुमार यह किस्सा बहुत उत्साह से सुनाते हैं। वह बताते हैं कि रफी साहब के निधन की खबर मिलते ही वह उनके जनाजे में पहुंच गए। वहां जब कब्र में रफी साहब को दफनाया गया तो शब्बीर कुमार की घड़ी उस कब्र में गिर गई थी। शब्बीर कुमार को लगा कि यह एक इशारा है, इशारा इस बात का कि शब्बीर कुमार ही रफी साहब की परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। आज शब्बीर कुमार का बेटा दिलशाद भी गा रहा है। उसने एआर रहमान के लिए फिल्म ब्लू में गाया है और फिल्म रावण में भी उन्होंने गाया है। उसने फिल्म लकीर का फकीर में भी अपनी आवाज दी है। वह एक रोमांटिक एल्बम भी जारी करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप शब्बीर कुमार और उनके गाए गीतों के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपके पास उनके बारे में कोई अतिरिक्त जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों के बारे में जानी अनजानी जानकारियां लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक